श्री राम जय राम। आज शुभ नवरात्रि का दशहरा है, अतः आज का श्री राम चरितमानस का संपूर्ण पाठ में रावण वध है। जैसा कि दशहरे को रावण का वध हुआ था, अतः रावण वध का पाठ है। राम तान्यो चाप सवन लगी थारे बिसिख कराल, राम मार गन गन चले लह लहात जन ब्याल, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। श्री राम धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सपक्ष जनूर गा सीताराम 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 सीताराम, प्रथम ही हते हुए सारथी तुरंगा सीताराम सीताराम सीताराम, रथ विभंज हति केतु पताका सीताराम 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 सीताराम, गर जायति अंतर बल थाका सीताराम 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 सीताराम। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना सीताराम 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 सीताराम, अस्त्र शस्त्र छाड़त विधि नाना सीताराम 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 सीताराम, विफल हो ही सब उद्यमता के सीताराम 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 सीताराम, जिमी पर द्रोह निरत मन साके सीताराम 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 सीताराम। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परदोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण दस शूल चलावा सीताराम 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 सीताराम, बाजी सारी महिमारी गिरावा सीताराम 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 सीताराम, तुरंग उठाए को रघुनायक सीताराम 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 सीताराम, कराशन छाड़े सायक सीताराम 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 सीताराम। तब रावण ने दशरथ त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींच कर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बन चारी सीताराम 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 सीताराम, चली रघुवीर सिली मुख धारी सीताराम 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 सीताराम, दस दस बाण भाल दस मारे सीताराम 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 सीताराम, निसारी गए चले रुधिर पनारे सीताराम 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 सीताराम। रावण के सिरे रूपि कमल नयन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भौरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके दसों सिरों में दस दस बाण मारे जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त नाले बह चले। श्रवण श्याम श्रवत रुधिर धायऊ बलवाना सीताराम सीताराम सीताराम, प्रभु पुनिकत धनुसर संधाना सीताराम सीताराम, तीस तीर रघुवीर पमारे सीताराम सीताराम, जही समेत शीश मही पारे सीताराम राम सीताराम। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा, प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर से तीस श्री राम जय राम, श्री रघुवीर ने तीस बाण मारे और तीसों भुजाओं समेत दसों सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। सीताराम 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 सीताराम,
कट काट तही पुनि भय नबी ने सीताराम 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 राम बहोरी भुजा सिर छीने सीताराम 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 प्रभु बहु बार बाहु सिर हय सीताराम 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 कटत जति पुनि नूतन भय सीताराम 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 सीताराम। फिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए श्री रामचंद्र जी ने, फिर भुजाओं और तीसों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाओं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए श्याम। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा सीताराम 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 अति कौतुकी कौशला धीसा सीताराम 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 सीताराम। रहे थाई से नभ सिर अरुबाहु सीताराम 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 मानव अमित केतु अरु राहु सीताराम 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 सीताराम। प्रभु बार बार उनकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। राम जनु राहु केतु अनेक नभ पथ समत सोनित धावहीं रघुबीर तीर प्रचंड लागहीं घूम गिरन न पावहीं यक यक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं जन को बिदिन कर कर निकर जहाँ तहाँ विधू तुद पोहहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रिधुर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़े रहे हों। सिरक वीर के प्रचंड बाणों उनके बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह फिर छेदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। प्रभु की कृपा बर सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भाया जू सीताराम 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 सीताराम। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर तिम तिम हो ही अपार सीताराम असेवत विषम अबरत जिमी नित नित नूतन मार लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। जैसे जैसे प्रभु उनके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से श्री राम काम उन्हें भोगने की इच्छा दिने प्रतिदिन नया नया बहता जाता है। श्याम दस मुख देख सिरन कहे बाढ़ी सीताराम 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 विसराम मरण गई ऋष गाढ़ी सीताराम 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 सीताराम। गर्जो मूढ़ महाअभिमानी सीताराम 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 धायव दसहुँ सरा संतानी सीताराम 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 सीताराम। सिरों मार दूंगा देखा श्याम सिरों की बार देकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दसों धनुषों को तान कर दौड़ा समर भूमि दस कंधर को प्यो सीताराम 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 बरसी बाण रघुपति रथ को प्यो सीताराम सीताराम।
सीताराम सीताराम दंड एक रथ देखी न परऊ सीताराम 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 जनु निहार महु दिन कर दुर्यऊ सीताराम 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 रंग भूमि रावण क्रोध किया और बाण बरसा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई ना पड़ा मानो कोहरे में सूर छिप गया हो हाहाकार सुरन जब कीन्हा सीताराम 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 तब प्रभु को पी कार मुख लीन्हा सीताराम 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 सर निवारी रिपु के सिर काटे सीताराम 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 तेदिस विदिस गगन मही पा पाते सीताराम 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 सीताराम। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु के क्रोध प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटा कर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया काटे सिर नभ मारग धावई सीताराम 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 जय जय धुनि करी भय उपजावई सीताराम 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 कहा लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा सीताराम 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 कहा रघुवीर कोसलाधीसा सीताराम 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 काटे हुए सिर आकाश मार्ग में से दौड़ते हैं और जय जय की धुन करके भय उत्पन्न करते हैं लक्ष्मण और बाण राष्ट्र ग्रीव कहाँ हैं कौशलपति श्री रघुवीर कहाँ हैं कहाँ राम कही सिर निकर धाये देख मर कति भज चले संधान धनु रघुवंश मरी हंसी असरन सिर बेधे भले सिर मालिका कर कालिका गही ब्रंद ब्रंद बहु मिली करी रुधिर सरी मंजन मनहु संग्राम बट पूजन चली राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े उन्हें देखकर बानर भाग चले तब धनुष संधान करके रघुकुल मरी श्री रामचंद्र जी ने हंसकर बाणों से उनके सिरों को भली भांत भेद डाला हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की भुजा करने जा रही हो प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जनम हमारे सुफल बाया जो सीताराम 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 पुनि दस कंठ क्रुद्ध हुई छाड़ी शक्ति प्रचंड सीताराम चली चली विभीषण सन मुख मनहु काल कर दंड सियावर रथन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी वे विभीषण के सामने ऐसे चली मानो काल यमराज का दंड हो आवत देख शक्ति अति घोरा सीताराम 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 प्रणतारति भंजन पन मोरा सीताराम 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 तुरत विभीषण पाछे मेला सीताराम 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 सन्मुख राम सहयव सोई सेला सीताराम 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 अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का बस करना है श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वे शक्ति स्वयं सहली लागी शक्ति मूर्छा कछु भई सीताराम 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 प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई
सीताराम 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 देख विभीषण प्रभु सम सम पायो सीताराम 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 जहि करि गदा क्रोध होइ धायो सीताराम 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 सीताराम। सच लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई, प्रभु ने तो ये लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित को क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कु भाग्य सठ मंद कुबुद्धे सीताराम 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 तैं सुर नर मुनि नांग विरुद्धे सीताराम 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 सीताराम। चादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए सीताराम 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 एक एक के कोटिन पाए सीताराम 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 सीताराम। और बोले अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि तूने देवता धनुष देवता देवता मानुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया, तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए इसी से एक के एक बदले में करोड़ों पाए। कारण खले अब लगी बाँचे वो सीताराम 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 अब तक काल शीश पर नाचे वो सीताराम सीताराम सीताराम। राम विमुख सत चाहती संपदा सीताराम 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 अस कही हने सीमा जीवर गदा सीताराम 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 सीताराम। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है, ऐसा कहकर विभीषण ने राम की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो दस बदन सोनित समत मुने समारी धायव रिस भर्यो दुई भीरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एको ए कहीं हनय रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाली नहीं ता कहूँ गनय। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुख से रुधिर बहने लगा, वह अनेकों अपने को फिर संभाल कर क्रोध से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल में गर्भित विभीषण उसको रावण जैसे जय विजयी योद्धा को श्याम प्रसंग के बराबर भी नहीं समझते। प्रभु की कृपा भयव सब काजो सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भाया जो सीताराम 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 सीताराम। उमा विभीषण राम नहीं सन्मुख चितव की काऊ सीताराम तो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव श्री रघुवीर प्रभाव लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमा। शिव जी कहते हैं हे उमा विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के सामने उससे भिड़ रहा है, ये श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा समित विभीषण भारी सीताराम 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 गायो हनुमान गिरधारी सीताराम 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 सीताराम। रथ तुरंग सारथी निपाता सीताराम 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 हृदय माझ तेहिं मारे सिलाता सीताराम 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 सीताराम। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने
उसे पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। राम साढ़े रहा अति कंपित गाता सीताराम 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 जय विभीषण जहाँ जन त्राता सीताराम 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 सुनि रावण कपि हते पचारी सीताराम 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 चले वे गगन कपि पूछे पसारी सीताराम 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 सीताराम। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों श्री राम के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैला कर आकाश में चले गए। गहसी पूंछ कपि सहित उड़ाना सीताराम 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 पुनि फिर फिरो प्रबल हनुमाना बजरंगी जय हो बजरंगी की सीताराम 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 लरत आकाश जुगुल सम जोधा सीताराम 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 एक ही एक हनत करी क्रोधा सीताराम 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 सीताराम। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौट कर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सो हई नभ छल बल बहु करही सीताराम 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 कजल गिरि सुमेरु जन लरही सीताराम 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 बुद्धि बल निशितर परई न परऊ सीताराम 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 सीताराम। तब मारुत सुत प्रभु श्री राम तब मारुत सुत प्रभु संभरऊ सीताराम 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 सीताराम। दोनों बहुत तेज छल बल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत उड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा तब मारुति बजरंगी श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी कपि रावण हन्यो मही परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो हनुमंत संकट देखि मर कट भलु क्रोधा तुर चले जनमत रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीरे हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। श्री हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े किंतु रण मदमाते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। प्रभु की कृपा भयवे सब काजू सीताराम 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 जन हमारे सुफल भायाजू सीताराम 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 सीताराम। तब रघुवीर पतारे धाये शीश प्रचंड सीताराम कपि बल प्रबल देख कहीं कीन प्रगट पाखंड लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा राम। तब श्री रघुवीर के ललकार ने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने राम रावण ने माया प्रकट की। अंतर ध्यान भयव छन एका सीताराम 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 सुनि प्रगट खल रूप अनेका सीताराम 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 सीताराम
रघुपति कटक भालू कपि जेते सीताराम 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 जहाँ तहाँ प्रगट दशानन तेते सीताराम 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 सीताराम। क्षण भर के लिए वे अदृश्य हो गया, फिर उसे दुष्ट ने अनेको रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपि अमित दस सीसा सीताराम 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 जहाँ तहाँ भजे भालू अरुकी सा सीताराम 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 सीताराम। आगे बानर धरहि नधीरा सीताराम 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 त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा सीताराम 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 सीताराम। बानरों ने अपरिमित रावण देखे भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते, हे लक्ष्मण जी हे रघुवीर बचाइए बचाइए यूं पुकारते हुए वे रे भागे जा रहे हैं। राम दहाँ दिस धावई कोटि निरावन सीताराम 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 गरि जहि घोर कठोर भयावन सीताराम 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 सीताराम। डरे सकल सुर चले पराई सीताराम 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 जय कै आस तजहु अब भाई सीताराम 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 सीताराम। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जना गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधर सीताराम 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 अब बहु भय तकहु गिर कंधर सीताराम 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 सीताराम। रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी सीताराम 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 अजिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी सीताराम 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 सीताराम। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो अर्थात उनमें छिप रहो। वहाँ ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि भी डट रहे जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। श्याम जय राम जय जय राम श्याम जय राम जय जय राम प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जिनमें हमारे सुफल भायाजू सीताराम 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 सीताराम। जाना प्रताप तेरे निर्भय कति निरिपु माने फुरे चले बिचल मर कत भालू सकल कृपालु पाही भया तुरे। हनुमंति अंगद नील नल अति बल लरत रन बाकुरे मर दही दसानन कोटि कोटि कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सज्जा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भायाजू सीताराम 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 सीताराम। सुर बानर देखी बिकले हंस्यो कोसला से सजी सारंग एक सरे हते सकल दस शीश लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। देवताओं और बानरों को बिकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और श्री राम सारंग धनुष पर एक
बाण चढ़ाकर माया से बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, सीताराम 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 सीताराम, जिमि रवि उए जाहि तम फाटी, सीताराम 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 सीताराम। रावण एको देखे सुर हर से, सीताराम 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 सीताराम, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे, सीताराम 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 सीताराम। यहाँ पर प्रभु श्री राम से और लंकाधिराज लंका पति रावण का भयानक युद्ध चल रहा है। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार रूपी रात फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने प्रभु लौट कर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। मुझे उठाए रघुपति कति तेरे फिरे, सीताराम 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 सीताराम, फिरे एक एकन तब तरे तेरे, सीताराम 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 सीताराम। प्रभु बालू प्रभु बलु पाई भालू कति धाए, सीताराम 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 सीताराम। तरल तमकी संयुत महियाए, सीताराम 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 सीताराम। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया, तब एक दूसरों को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़ पड़े, जल्दी से कूद कर वे रणभूमि आ गए। स्तुति करत देवतन देखे, सीताराम 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 सीताराम, भयो एक में ए इनके लेखे, सीताराम 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 सीताराम। छठहु सदा तुम मोर मरायल, सीताराम 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 सीताराम, अस कही कोपि गगन पर धायल, सीताराम 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 सीताराम। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें ये पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो तुम तो तुम श्री राम तो सदा के ही मेरे मरायले मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वे क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हा हा कार करत सुर भागे, सीताराम 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 सीताराम, खलहु जाहु कहाँ मोरे आगे, सीताराम 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 सीताराम। देख बिकल सुर अंगद धायो, सीताराम 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 सीताराम, कूदि चरण गहि भूमि गिरायो, सीताराम 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 सीताराम। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। प्रभु की कृपा भयव सब काजो, सीताराम 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 सीताराम, जन्म हमारे सुफल भाया जो, सीताराम 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 सीताराम। गई भूमि पर्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो, सम्हारी उठी दस कंधे घोर कठोर, रवि गर जत भयो, करी दाप चाप चढ़ाई दस संधानी, सर बहु बर सही बर खई, किए सकल भट घायल भया कुल देख निज बल हर सही। श्री राम उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभाल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर
उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। प्रभु की कृपा भयव सब काजो, सीताराम 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 सीताराम, जन्म हमारे सुफल भाया जो, सीताराम 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 सीताराम। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, सीताराम काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीरथ कर पाप, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ी देख रिपु केरी, सीताराम 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 सीताराम, भालू कपिन सिर भई घनेरी, सीताराम 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 सीताराम। मरत न मोड़े कहेउ भुजे श्री राम, मरत न मोड़े श्री राम कटेउ भुज सीसा, सीताराम 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 सीताराम, दाए कोपी भालू भटकी सा, सीताराम 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 सीताराम। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर इस बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तने मारुति नल नीला, सीताराम 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 सीताराम, बानर राज दुबिद बल सीला, सीताराम 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 सीताराम, बिटप मही धर करही प्रहारा, सीताराम 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 सीताराम, सोई गिरे तरु गही कपिन कुमारा, सीताराम 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 सीताराम। बालीपुत्र अंगद मारुति हनुमान जी नल नील बानर राज सुग्रीव और दुविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। एक नखनी रिपु बपु से बिदारी, सीताराम 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 सीताराम, भाजी चलही अकेला तन मारी, सीताराम 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 सीताराम। तब नल नील सिरन चढ़ी गयऊ, सीताराम 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 सीताराम, नखन लीलार बिदारत भयऊ, सीताराम 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 सीताराम। कोई एक बानर रखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मार कर श्री राम तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देख विषाद उर भारी, सीताराम 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 सीताराम, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी, सीताराम 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 सीताराम। गहे न जाही करही पर फिरही, सीताराम 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 सीताराम, जनु जुग मधुप कमल बन चरही, सीताराम 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 सीताराम। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ, उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी दोई अधरे सी बहोरी, सीताराम 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 सीताराम, महीपत कते भजे भुजा मरोरी, सीताराम 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 सीताराम। उनी सकोप दस धनु कर लीने, सीताराम 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 सीताराम, शरण मारी घायल कपि कीन्हे, सीताराम 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 सीताराम।
तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया, पृथ्वी पर पटक थे समय वे उनकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उनके क्रोध करके हाथों में दसों धनुष लिए और बानरों को बाणों से मार कर घायल कर दिया। हनुमान मूर्छित करी बंदर सीताराम 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 पाई प्रदोष हरक दस कंदर सीताराम 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 मूर्छित देख सकल कपि वीरा सीताराम 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 जामवंत अधाय वरन धीरा सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी आज सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। संग भालू भूदर सरुधारी सीताराम 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 मारन लगे पचारी पचारी सीताराम 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 भयव को रावण बलवाना सीताराम 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 गही पद मही पट कई भट नाना सीताराम 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 सीताराम। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वे अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देख भालू पति निज दल घाता सीताराम 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 कोपी माझे उरे मारे सिलाता सीताराम 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 सीताराम। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देख कर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। राम उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ से मही परा गही भालू भी सहु कर मनहु कमलनि बसे निसि मधुकरा मूर्छित बिलोक बहोरी पद हति भालू पति प्रभु पही गयो निसि जानी संदन घाली तही तब सुते जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने बीसों हाथों में श्री राम बालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भायाजू सीताराम 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 मूर्छा बिकट भैलु कपि सब पाए प्रभु पास सीताराम सीचर सकल राम नहीं गेरी रहे अतिदास लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। श्री राम मूर्छा दूर होने पर सब ऋष बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास पारायण छब्बीसवां विश्राम कहीं निश सीता कहीं निश सीता पहीं जाई सीताराम 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 त्रजता कही सब कथा सुनाई सीताराम 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 सिर भुज बारे सुतन रिपु केरी सुनत रिपु केरी सीताराम 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 सीता उर भई त्रास घनेरी सीताराम 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 सीताराम। उसी रात त्रिजटा ने सीता के पास जाकर उन्हें सब कथा
कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, सीताराम 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 सीताराम। तुजतासन बोली तब सीता, सीताराम 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 सीताराम। होई कहाँ का हसी किन माता, सीताराम 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 सीताराम। कहीं विधि मरी विश्व दुख दाता, सीताराम 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 सीताराम। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी तीव्रता से बोली, हे माता बताती क्यों नहीं क्या होगा। संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला ये किस प्रकार मरेगा। रघुपति सर सिरे कटेहू न मरई, सीताराम 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 सीताराम। विधे बितरी ते चरित सब करई, सीताराम 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 सीताराम। मोर अभाग जियावत वो ही, सीताराम 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 सीताराम। जही जही हो हरि पद कमल बिछोही, सीताराम 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 सीताराम। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी नहीं मरता विधाता, सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो ये है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे दिला रहा है, जिसने मुझे भगवान से चरण कमलों से अलग कर दिया है। यही कृत्य कपट कनक मृग झूठा, सीताराम 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 सीताराम। अजहु सुदेव मोहि पर रूठा, सीताराम 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 सीताराम। अजहि विधि मोहि दुख दुसह सहाये, सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण कहूँ कटु बचन सहाये कहाये, सीताराम 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 सीताराम। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे बचन कहलाए। रघुपति बिरह सही बेसर भारी, सीताराम 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 सीताराम। तकी 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 मारे मारे श्राम मारे मारे, तकी तकी मारे बाप तकी तकी मारे बारे बहुमारी, सीताराम 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 सीताराम। ऐसे हु दुख जो राख मम प्राणा, सीताराम 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 सीताराम। सोई विधिताही जियाव नयाना, सीताराम 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 सीताराम। जो श्री रघुनाथ जी के ब्रह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब ही मार रहा है, और ऐसे दुख में भी श्री राम जो मेरे प्राणों को रख रहा है वही विधाता उस रावण को जिला रहा है। दूसरा कोई नहीं बहु दे कर बिलाप जानी की, सीताराम 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 सीताराम। करी करी सूरत कृपा निधान की, सीताराम 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 सीताराम। कहत जता सुन राज कुमारी, सीताराम 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 सीताराम। उर सर लागत मरई सुरारी, सीताराम 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 सीताराम। कृपा निधान श्री राम की याद करके कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिता ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उर हतई न तेही, सीताराम 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 सीताराम। यही के हृदय बसती बै देही, सीताराम 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 सीताराम। परंतु प्रभु उनके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं।
यही के हृदय बस जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नास है। सुनी बचन हरक विषादि मन अति देख पुनि त्रिजिता कहा। अब मरी ही रिपु यही विधि सुनही सुंदरी तजही संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे हृदय में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। ये वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी महान संदेह का त्याग कर दो, अब सुनो शत्रु इस प्रकार मरेगा। प्रभु की कृपा भयव सब काजू, सीताराम 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 सीताराम, जन्म हमारे सुफल भायाजू, सीताराम 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 सीताराम। काटत सिर होई होई बिकले टूटी जाहि तब ध्यान सीताराम, तब रावण हृदय महु मरी है राम सुजान, लखन सिया राम चंद्र शंकर है मां। सिरों के बार बार काटी जाने से अब वह व्याकुल हो जाएगा, राम व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा राम ध्यान छूट जाएगा। तब सुजान अंतर्यामी श्राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, सीताराम 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 सीताराम, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई, सीताराम 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 सीताराम। राम स्वभाव सुमिरि बैदिनी, सीताराम 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 सीताराम, उपजी बिरह बिठा अतिथेही, सीताराम 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 सीताराम। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझा कर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। श्री राम निसिंह ससी निंदति बहु भांति, सीताराम 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 सीताराम, युग सम भई सिराती नराती, सीताराम 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 सीताराम, करती विलाप मन ही मन भारी, सीताराम 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 सीताराम। राम बिरह जानकी दुखारी, सीताराम 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 सीताराम। वे रात्रि की ओर चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब अति भयव बिरह उर दाहू, सीताराम 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 सीताराम, फर क्यो बाम नयन अरु बाहू, सीताराम 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 सीताराम। सगुन विचार धरी मन धीरा, सीताराम 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 सीताराम, अब मिली है कृपाली रघुवीरा, सीताराम 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 सीताराम। जब विरह के मारे हृदय में दारू दाह हो गया, तब उनका बाया नेत्र बाहु फड़क उठे। सगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्ध निशि रावण जागा, सीताराम 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 सीताराम, निज सारथी सन खीजन लागा, सीताराम 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 सीताराम। सठरन भूमि छणायसि मोहि, सीताराम 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 सीताराम, धिग धिग अधम मंद मति कोहि, सीताराम 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 सीताराम। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रूप
रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। यहीं पद गही बहु दीदी समुझावा, सीताराम 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 सीताराम, भोर भय रथ चढ़े पुनियावा, सीताराम 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 सीताराम। सुनी आगमन दशानन कियरा, सीताराम 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 सीताराम, कपिदल खर भर भयव घनियरा, सीताराम 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 सीताराम। सारथी के चरण पकड़ कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वे रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बीतप उपारी, सीताराम 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 सीताराम, दाए कट कटाई भट भारी, सीताराम 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 सीताराम। भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। भाई जुमर कट बिकट भालू कराल, कर भूधर धरा अति कोप करही प्रहार, मारत भजी चले रजनी चरा, बिचलाई दल बलवंत की सन घेरी, पुन राम लियो अचहु दिस चपेट ही मार, नखत बिदारी तनु व्याकुल कियो। बिटक और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े हुए अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मरने से राक्षस भाग गए। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। प्रभु की कृपा भयव सब काजू, सीताराम 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 सीताराम, जन्म हमारे सुफल भायाजू, सीताराम 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 सीताराम। देख महामर कट प्रबल रावण कीन विचार, सीताराम अंत रहित होई निमिख महुकति माया विस्तार, लखन सिया राम चंद शंकर है उमा। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर श्याम क्षण भर में उसने माया फैलाई। श्याम जब कीन्हे ते ही पाखंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने पखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष मार लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे कर बाल एक हाथ, मनुष्य कराल करी सग सोनित पान, नाचही करही बहुगान। योगिनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए राम ताजा खून पीकर नाचती और बहुत तरह से गीत गाने लगी। धरु मारु बोलही घोर रही पूरी धुरी चहु ओर, मुख बाई धावही खान तब लगे कीस परान। ये पकड़ो मारो आज घोर शब्द बोल रही हैं, चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है, तब बानर भागने लगे। जहां श्याम जहां तह जहां श्याम जहां जहां ही मर कट भागी, तहां बरत देखही आगी, रह बिकल बानर भालू पुनि लागे बरसें बालू। बानर भाग कर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए, फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहां तहां थकित करी कीस गरजो बहुरी दस शीस, लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। बानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित
सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कही सुबत मी जही हाथ, यही विधि सकल बल तोरी अति ही कीने कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटसि विपुल विपुल हनुमान धाये गहे पासान, तिनु राम घेरे जाई चहु दिस बरूथ बनाई। श्री राम उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जनी जाई कट कट ही पूछ उठाई, दस दिस लंगूर बिराज तेहि मध्य कौशल राज। ये पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पाए। उनके लंगूर पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद धनुष अनेक की बरबारी समालही। प्रभु देख हरष विषाद सुर बदन जय 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 करी, रघुवीर कहीं तीर कोपी निमेख महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर और ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तालाब वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषों को श्रेष्ठ बाह घेरा बनाई गई हो। राम प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से राम निमेश मात्र में रावण की सारी माया हर ली। भाई इसका थोड़ा टाइम आ गया, अब नहीं मच्छरा गए। माया विगत कपि भालू हरि सी बितप गही, बितप गिर गही सब फिरे शरण कर छाणे राम रावण बाहु फिरे। ए पुनी मही गिरे श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जोगा वही सतशेष शारद निगम कपि कवि तदपि पार न पावहिं। माया दूर जा हो जाने पर भालू बानर हर्षित हुए और वृत्त तथा पर्वत ले लेकर साथ लौट पड़े। श्री रामचंद्र जी ने बाणों के समूह छोड़े जिसने रावण के हाथ और सिर फिर काट काट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कभी अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उनका पार नहीं पा सकते। ताके गुण सन कछु कहे जड़मति तुलसीदास सीताराम, अजिम निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश सीताराम। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिरे भुज बार बहु मरत न भट लंकेश सीताराम, अप्रभु कीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश सीताराम। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु का क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ती शीश समुदायी सीताराम 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 सीताराम, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई सीताराम 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 सीताराम। मरई नरि पुरुषिम भयउ बिसेखा सीताराम 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 सीताराम, राम विभीषण तन तब देखा सीताराम 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 सीताराम। काटते ही शिवों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक
लाभ पर लोभ बढ़ता है, सत्य मरता नहीं। और परिश्रम बहुत हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, सीताराम 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 सीताराम, सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा, सीताराम 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 सीताराम, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, सीताराम 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 सीताराम, प्रतपाल सुर मुनि सुखदायक, सीताराम 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 सीताराम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीत की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवताओं और मुनियों के सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस पाया के, सीताराम 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 सीताराम, नाथ जियत रावण बलता के, सीताराम 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 सीताराम, सुनत विभीषण वचन कृपाला, सीताराम 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 सीताराम, हरषि गहे कर बाण कराला, सीताराम 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 सीताराम। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होने लागे तब नाना, सीताराम 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 सीताराम, रो वही खरे श्रीकाल बहु स्याना, स्वाना सीताराम 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 सीताराम, बोलही खग जग आरती हे तू, सीताराम 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 सीताराम, प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ के तू, सीताराम 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 सीताराम। उस समय नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे, बहुत से गधे सियार और कुत्ते रोने लगे। राम जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु प्रक्षप तारे, हे सीताराम प्रकट हो गए। दस दिस दाहे होने अति लागा, सीताराम 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 सीताराम, भयव परब बिनु रवि रागा, सीताराम 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 सीताराम, मंदोदरी उर कंपति भारी, सीताराम 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 सीताराम, प्रतिमा सेवणनि नयन मग बारी, सीताराम 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 सीताराम। दसो दिशाओं में अत्यंत दाहे होने लगा, आग लगने लगी, बिना ही प्रभु योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय व्याकुल कांपने लगा, मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदई पविपात नभ अति बात, यह डोलन मही बरसई बलाह के, रुधिर कच रज अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बुलो कि नभ सुर बिकल बोलही जय जय, सुर सभय दानी कृपाल रघुपति ताप सर खोजत भये। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगा, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। श्याम प्रभु की कृपा भयव सब काजू, सीताराम 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 सीताराम, जन्म हमारे सुफल भायाजू, सीताराम 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 सीताराम। खैची सरासन श्रवण लग छाड़े सर एक तीस, सीताराम रघुनायक सायक चले मनहु काल फनीस, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। कानों तक धनुष को खींच कर रघुनाथ जी ने 31 बार छोड़े हुए श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सर सोखा, सीताराम 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 सीताराम, लगे
बुझ सिरे करी रोखा, सीताराम 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 सीताराम, लय सिरे बाहु चले नाराचा, सीताराम 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 सीताराम, सिरे बुझ ही ने रुंड महीनाचा, सीताराम 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 सीताराम। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को खो सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उनके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों पर भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, सीताराम 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 सीताराम, दब हर हटित प्रभु कृत दुई खंडा, सीताराम 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 सीताराम। गर्जो मरत घोर रव भारी, सीताराम 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 सीताराम, कहाँ राम रन हतों पचारी, सीताराम 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 सीताराम। धर प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धसने लगी, तब प्रभु ने बाण मार मार कर उसके दो टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार ललकार कर उनको युद्ध में मारूंगा। राम डोली भूम गिरत दस कंदर, सीताराम 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 सीताराम, सुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, सीताराम 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 सीताराम। धरनी पर्वती खंड बढ़ाई, सीताराम 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 सीताराम, चापी भालू मरकत समुदाई, सीताराम 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 सीताराम। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत शुभ्ध हो उठे। रावण धर के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बांदरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीता, सीताराम 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 सीताराम, धरी तर चले जहाँ जगित, सीताराम 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 सीताराम। प्रभु से सब निसंग महु जाई, सीताराम 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 सीताराम, देख सुरन दुम दुभी बजाई, सीताराम 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 सीताराम। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां से चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए, यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। राम जय राम जय जय राम, राम तासु तेज समान प्रभु आनन, सीताराम 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 सीताराम, हर से देख शंभु चतुरानन, सीताराम 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 सीताराम। जय जय धुनिपुरी प्रचंड ब्रह्मांडा, सीताराम 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 सीताराम, जय रघुवीर प्रबल भुज झंडा, सीताराम 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 सीताराम। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया, ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। राम ब्रह्मांड भर में जय जय की धुनि भर गई, प्रबल भुज दंड वाले श्री रघुनाथ वीर की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। बरसहीं सुमन देव मुनि वृंदा, सीताराम 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 सीताराम, जय कृपाल जय जयती मुकुंदा, सीताराम 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 सीताराम। देवताओं और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय कृपा कुंद मुकुंद द्वंद हरण सरण सुख प्रद प्रभु, खल दल विदारक परम कारण कारुणिक सदा विभु। सुर सुमन बर सही हर्ष संकुल बाज दुम दुमी जय गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कंदु हे मोक्ष दाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर करने वाले, हे कारकों के भी मरम मरम कारक, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापी विभो आपकी जय हो। देवता हर्षित भये हुए पुष्प बरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बज रहे हैं, रंग भूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों की बहुत से
कामदेव की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही जनु नील गिर पर तरित पटल समेत उड़गन भाजही भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अत बनी जनु राय राय मुनि कमाल पर बैठी विपुल सुख आपनी। सिर पर जटाओं के मुकुट हैं जिनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं या मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों के बाण और धनुष गिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया भिड़िया अपने महान सुख में मगन हुई निष्फल बैठी हो। कृपा दृष्टि कर बृष्टि प्रभु अभय किए सुर बृंद सीताराम भालु कीस सब हर से जय सुख धाम मुकुंद सीताराम। प्रभु श्यामचंद्र जी के कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालु सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी सीताराम 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 मूर्छित विकल धरनि खस परी सीताराम 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 ज्योति बृंद रोवत उठ धाई सीताराम 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 कही उठाए रावण पहियाई सीताराम 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 सीताराम। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल होकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। राम तो पति गति देखी न करही पुकारा सीताराम 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 छूटे कथ नहीं अब बपू से समारा सीताराम 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 उड़ताल ना करही विधि नाना सीताराम 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 रोवत करही प्रताप बखाना सीताराम 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 सीताराम। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी उनके बाल सूख गए देह संभाल नहीं रही। तत्काल वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं अरे बस तेरा मिलाओ खे और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरनी सीताराम 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 तेजहीन पावक शशि तरनी सीताराम 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 शेष कमत सही सकही न बारा सीताराम 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 सोतन भूमि पर बरिछारा सीताराम 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 सीताराम। वे कहती हैं हे नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। राम वरुण कुबेर सुरेश समीरा सीताराम 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 रमेशन मुख धरि काहू न धीरा सीताराम 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 भुजबल जी के हुकाल राम जम साई सीताराम 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 आज पर हुआ नाथ की नाई सीताराम 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 सीताराम। वरुण कुबेर इंद्र वायु इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारे प्रभुताई सीताराम 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 सुत परिजन बल बरन न जाई सीताराम 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 राम विमुख अस हाल तुम्हारा सीताराम 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 सीताराम
रहा न को फूल रो अनिहारा सीताराम 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 सीताराम। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के मुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। सब बस विधि से बनते सब ना था सीताराम 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 सब शिव नित ना वही माथा सीताराम 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 सीताराम। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई सीताराम 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 सीताराम। राम विमुख यह अनुचित नाही सीताराम 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 सीताराम। हे नाथ विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी, लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है अर्थात उचित ही है। काल दिवस पति कहा न माना सीताराम 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 सीताराम। अग जगनाथ मनुज करी जाना सीताराम 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 सीताराम। हे पति, काल के पूर्व बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मानुष करके जाना। जान्यो मनुष्य करी धनुज कारण सहन पावक हरि स्वयं यही नमत शिव ब्रह्मा जी सुर पिय भजहु नहीं करुणामयम। आजन्म थे पर दोहे रख पायो मैं तब तनु अयं अतु महु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। जय रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप साक्षात श्री हरि को तुमने मानुष करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं और करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों का दोह करने में तत्पर तथा पाप समुदाय में रहा, इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्रीराम जी को तुम श्रीराम जी ने तुमको अपना धाम दिया उनको मैं नमस्कार करती हूँ। धन्य है मंदोदरी प्रभु की कृपा भय वे सब काजू सीताराम 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 सीताराम। जन्म हमारे सुफल भाया सीताराम 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 सीताराम। आनंद रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन सीताराम। जो भी ग्रंथ दुर्लभ गति तो ही दी भगवान लखन सियाराम चंद्र शंकर हनुमान। महापति महादेव जी जय पवन सुत हनुमान जी जय गोस्वामी तुलसीदास जी जय बोलो भाई सब संतन की जय। आज शुभ नवरात्रि का दसवां दिन है, अतः दशमी दशहरे के दिन रावण का वध हुआ। राम कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए सोता कर उपयान सोता तब आसन गये शंभु गये कैलाश रावण हनुमान लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमा। महापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय गोस्वामी तुलसीदास जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। श्री रामचरितमानस की जय रामायण पुराण की जय अशोक देवता की जय शुभ नवरात्रि की जय दशहरा की जय। आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है, अतः आए हुए समस्त सम्मानित माताएं बहनें
एवं समस्त सम्मानित श्रोता भक्त सभी श्री ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करें, अपनी आस्था रखें और उनका आशीर्वाद लेकर के अपने शुभ स्थान को प्रस्थान करें। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय। सीताराम 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 सीताराम। आज एकादशी है, कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान जो लय लय आसन बैठिए, वीर वीर मलखान लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा राम। तो आहानाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहियान, सीताराम अजोगी ब्रंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप साक्षात श्री हरि को तुमने मानुष करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरे से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी दिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। श्री राम आनाथ जगन्नाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको ये गति दी तो श्री राम योगी समाज को भी दुर्लभ है। श्री राम मंदोदरी वचन सुनी काना, सीताराम 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 सुर मुनि सिद्ध सब ही सुख माना, सीताराम 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 सीताराम। अज महेश नारद सन कारी, सीताराम 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 सीताराम। जे मुनिवर परमारथ बारी, सीताराम 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 सीताराम। मंदोदरी के वचन कानों में सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। बरी लोचन रघुपति निहारी, सीताराम 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 सीताराम। प्रेम मंगन सब भय सुखारी, सीताराम 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 सीताराम। रुदन करत देखी सब नारी, सीताराम 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 सीताराम। गयव विभीषण मन दुख भारी, सीताराम 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 सीताराम। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर को सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा विलोक दुख कीना, सीताराम 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 सीताराम। सब प्रभु अनुजहिं आय सुदीना, सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण से ही बहु विधि समुझायो, सीताराम 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 सीताराम। बहुर विधि सण प्रभु पहीं आयो, सीताराम 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 सीताराम। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहीं बिलोका, सीताराम 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 सीताराम। करहु क्रिया परिहरि सब शोका, सीताराम 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 सीताराम।
दीन है क्रिया प्रभु आय सुमानी। सीताराम 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 विधिवत देश काल जिया जानी। सीताराम 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 सीताराम। आज का ये प्रसंग लंकाधिराज महाराज रावण की अंत्येष्टि एवं अंतिम संस्कार की पूरी क्रियाओं का प्रसंग है। अतः प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। राम प्रभु की कृपा भयब सब काजु। सीताराम 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 जिनमें हमारे सुफल बायाजु। सीताराम 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 मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताहि। सीताराम भवन गई रघुपति गुने जन बरनत मन माई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। मंदोदरी आज सभी स्त्रियाँ उसे रावण को राम तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आई पुनी सिरुनायो। सीताराम 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 कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। सीताराम 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 तुम्हें कपीस अंगद नल नीला। सीताराम 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 जामवंत मारुति नय शीला। सीताराम 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 सब मिल जाऊ साथा। सीताराम 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 कार्य लगे कहे रघुनाथा। सीताराम 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 सब मिल जाऊ राम सीता बचन मैं नगर नया। सीताराम 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 आप कभी अनुज पठाव। सीताराम 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 सीताराम। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने जाकर पुनः सिर नवाया। सब कृपा के समुद्र श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। रघुनाथ जी ने कहा कि तुम बानर राज सुप्रीम अंगद नल नील जामवान और मारुति सब नीच निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी की के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। सूरत चले कपि सुने प्रभु बचेना। सीताराम 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 जाय तिलक की रचना। सीताराम 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 राम 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 राम। सागर सिंहासन बैठा। सीताराम 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 तिलक सारी अस्तुति अनुसार। सीताराम 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 सीताराम। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक किया और स्तुति की। राम पानी सब सीताराम 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 सहित विभीषण प्रभु पहियाए। सीताराम 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 तब रघुवीर बोली कपिलीने। सीताराम 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 कही किया बचन सुखी तब कीने। सीताराम 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 सभी ने
हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने बानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। ये सुखी कही बानी सुदासन बल तुम्हारे रिपु हयो पायो विभीषण राज क्यों पुर जसु तुम्हारो नित नयो मोही सहित शुभ की रति तुम्हारी परम प्रीत जोगाई है संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। बजरंगी हो बजरंगी भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और भीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा ये तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ जाएंगे ये बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु की कृपा भयव सब काजु सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भायाजु सीताराम 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 सीताराम। प्रभु के वचन श्रवण सुनि नहीं अधाई कपि पुंज सीताराम बार बार सुनावहीं सकल सब कहिय लखन सिया राम चंद शंकर हरि राम। प्रभु के वचन कानों में सुनकर बानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सुनवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। सुने प्रभु बोली लियव हनुमाना सीताराम 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 लंका जाहु कहु भगवाना सीताराम 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 समाचार जानकी सुनावहु सीताराम 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 सासु कुशल लय तुम चलिया बहु सीताराम 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 सीताराम। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। राम सब हनुमंत नगर राम महुआ आए सीताराम 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 सुन निशरी निशा शरदाए सीताराम 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 सीताराम। बहु प्रकार की पूजा सीताराम 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 जनक सुता जखाय भूमि दीनी सीताराम 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 सीताराम। तब हनुमान जी नगर में आए ही सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरी के प्रणाम कपिलीना सीताराम 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 रघुपति दूत जानकी कीना सीताराम 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 सीताराम। कहू दास प्रभु कृपा निकेता सीताराम 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 कुशल अनुज कपि देन समेता सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से प्रणाम किया। जानकी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीशा सीताराम 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 मातु समर जीत दस सीता सीताराम 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 सीताराम। अबिचल राज विभीषण पायो सीताराम 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 सुन कपि बचन हरस उरे लाल सुन कपि बचन हरस उरे छायो सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी ने कहा हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से
सकुशल हैं, उन्होंने संग्राम में दस सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री राम अति हृदय अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कहे पुनि पुनि रमा का देव तुही त्रिलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। बजरंगी सुनु मैं तुम्हें पायो अखिल जग राजु न संयम जन जी तरी पुदल बंधु जुत पाया सिमामी रमा राम पाया दाम राम मनामयम। राम जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं, इस बाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम को देख रहा हूँ। प्रभु की कृपा भैया वे सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल राया जू सीताराम 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 सुन सुत सत गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत सीताराम शान कुल कौशल पति राहु समेत अनंत राहु समेत अनंत लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सदगुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशल पति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता सीताराम 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 देखो नयन श्याम मृदु गाता सीताराम 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 तब हनुमान राम पहि जाई सीताराम 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 जनक सुता कहे कुशल सुनाई सीताराम 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 सीताराम। हे तात अब तुम वही उपाय करो जिसमें मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। जय श्री राम। सुनी सन देशु बान कुलभूषण सीताराम 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 बोल लिए जुब राजभूषण सीताराम 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 मारु सुति के संग सिधावहु सीताराम 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 सादर जनक सुतही लय आवहु सीताराम 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 सीताराम। सूर कुलभूषण श्री राम जी ने संदेह सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरतहीं सकल गए तहां सीता तुरतहीं सकल गए जहां सीता सीताराम 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 से वहीं सब निसचरी विनीता सीताराम 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 सीताराम
देगी विभीषण ती नहीं सिखायो सीताराम 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 तीन बहु विधि मंजन करवायो सीताराम 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 सीताराम। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी, सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता को स्नान कराया, राम बहु प्रकार भूषण पहिराए सीताराम 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 सीविका रुचि रे साज पुनि ल्याए सीताराम 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 तापर हर चढ़ी बैदिए सीताराम 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 सुमिर राम सुख धाम सनेही सीताराम 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 सीताराम। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहुँ पासा सीताराम 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 चले सकल मन परम हुलासा सीताराम 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 देखन भालुकी से सब आए सीताराम 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 रक्षक को बारन गाए सीताराम 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 सीताराम। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मन में परम उत्साह उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कहाँ रघुबीर कहाँ मम मानहु सीताराम 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 सीतहि सखा पया दे आनहु सीताराम 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 देखहु कपि जननी की नाई सीताराम 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 बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई सीताराम 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 सीताराम। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसकी माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंस कर ऐसा कहा, सुने प्रभु बचन भालू का पिहर से सीताराम 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 नभते सुरन सुमन बहुबर से सीताराम 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 सीता प्रथम अनल महुरा की सीताराम 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 प्रगट कीन चायंतर साखी सीताराम 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 सीताराम। प्रभु के वचन सुनकर ईश माना हर्षित हुए, आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट कहना चाहते हैं। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल बायाजू सीताराम 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 सीताराम। तेही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद सीताराम सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद लागी करे विषाद लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमा। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से पुछे कई वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीष धरि सीता सीताराम 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 पुनि मन क्रम वचन राम बोली मन क्रम वचन पुनीता सीताराम 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 लक्ष्मण होहु
धर्म के नेगी सीताराम 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 पावक प्रगटे करहु तुम बेगी सीताराम 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 सीताराम। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेंगी, धर्म चरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता कह वाणी, सीताराम 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 विरह विवेक धर्म नीति सानी, सीताराम 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 लोचन सजल जोरी कर दो, सीताराम 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 प्रभु सन कछु कही सकत न ओ, सीताराम 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 सीताराम। श्री सीता जी विरह विवेक धर्म और नीत से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी ने नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया, वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, सीताराम 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 पावक प्रगति काठ बहुल्याए, लाए सीताराम 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 पावक प्रबल देख बह दे, सीताराम 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 हृदय हरत नहीं भय कछुते, सीताराम 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 सीताराम। राम जी का मुख देख कर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत से लकड़ी ले आए, अग्नि को खूब बड़ी बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम उर माही, सीताराम 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 तज रघुवीर आनी गति नाही, सीताराम 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 तौ कृषानु सब कै गति जाना, सीताराम 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 मो कहूँ हो त्रिखंड समाना, सीताराम 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 सीताराम। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्री राम राम प्रभु की कृपा भयव सब काजू, सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल बायाजू, सीताराम 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 श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुचरे प्रभु चरित काहु न लगे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे। राम प्रभु श्री राम का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी द्वारा बंधित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है उन कौशल पति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। श्री राम प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना, देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। श्री राम धारी रूप पावक पानी जही श्री सत्य
श्रुति जग विदित जो जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर पी अंको सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली नव नील नीरज निकट मानव कनक पंकज की कली श्याम तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें सीता श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। जय हो बजरंगी की। वे सीता जी श्री राम जी के बाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जनन हमारे सुफल बायाजू सीताराम 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 बरसहीं सुमन हरषि सुर बाजहि गगन निशान सीताराम गावहीं किन्नर सुर बधु नाचहीं चढ़ी विमान नाचहीं चढ़ी विमान लखन शियर चंद शंकर हरि उमा देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे आकाश में डंके बजने लगे किन्नर गाने लगे विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी जनक सुता समेत प्रभु शोभायमिति अपार सीताराम देखि भालु कटि हरि से जय रघुपति सुख सार लखन सियराम चंद शंकर हरि उमा श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई सीताराम 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 माँ चली चले वे चरण सिरुनाई सीताराम 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 आए जीव सदा स्वार्थी सीताराम 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 वचन कहीं जनु परमारथी सीताराम 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 सीताराम। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया सीताराम 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 देव कीन देवन पर दाया सीताराम 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 विश्वद्रोह रत यह खल कामी सीताराम 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 निज अधे अगयव कुमार गानी सीताराम 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 सीताराम। हे दीन बंधु हे दयालु रघुराज हे परम देव अपने देवताओं पर बड़ी दया की आपने देवताओं पर बड़ी दया की विश्व के द्रोह में तत्पर ये दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण लंका का राजा राक्षस अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अभिनाशी सीताराम 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 सदा एक रस सहज उदासी सीताराम 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 अकल अगुण अज अनज अनामय सीताराम 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 अजित अमोद शक्ति करुणामय सीताराम 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 सीताराम। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही
उदासीन सत मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण माइक गुणों से रहित अजन्मा निश पाप निर्विकार अजय अमोध शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। जामीन कमठ मीन कमठ सुकर नर हरि सीताराम 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 बामन परशुराम बपु धरि सीताराम 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 जय जय नाथ सुरन दुख पायो सीताराम 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 नाना तनु धरि अतु महि न सायो सीताराम 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 सीताराम। अपने ही मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ जय जय देवताओं ने दुख पाया तब तक अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। श्याम यह खल मलिन सदा सुर द्रोही सीताराम 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 काम लोभ मद रत अति कोही सीताराम 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 अधम शिरोमणि तब पद पावा सीताराम 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 यह हमारे मन विस्मय आवा सीताराम 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 सीताराम। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसी अधमों के शिरोमणि भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी सीताराम 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 स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी सीताराम 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 भव प्रवाह संतत हम परे सीताराम 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 अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे सीताराम 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 सीताराम। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी शक्ति को बुलाकर निरंतर भाव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल बायाजू सीताराम 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 सीताराम। कर विनती सुर सिद्ध सब रहे जहाँ तहाँ कर जोरी अति सप्रेम तन पुलक विधि आस्तुति करती बहोरे आस्तुति करत बहोरी लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे तब अत्यंत प्रेम से पुलक शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भव बारन दारन सिंह प्रभु गुण सागर नागर नाथ विभु। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभु ठाकुर जी आपकी जय हो। आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को वृद्धि करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ हे सर्वव्यापक आप गुणों के समूह और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनिन्द्र कवि जसु पावक राम नाय महा खगनाथ जता करी कोप गहा
आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुण की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम गति क्रोध सदा प्रभु बोधमयम अवतारे उदारे अपारे गुणम मही भारे विभंजन ज्ञान धनम श्याम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अगि व्यापक मेक मनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण हाकत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। राम हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन तथा उसे अपने लंका का राजा बना, आपने लंका का राजा बना दिया। राम गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित राम नमामि विभु बिरजम भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम खल ब्रंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मई के विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपकी भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दोषों पर दया तथा उनका हित करने वाली और शोभा के धाम मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तरने वाले हैं। करुणा रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से अत्यंत होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सरताप मनोहर सोण धर्म जल जारुन लोचन भूप बरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मद मारे मुदा समता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वक्ष आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद अहंकार घमंड काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनबद्ध अखंड न गो चरी गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद बदंती न दंत कथा रवि आतप भिन्न मभिन्न जथा। आप अनिग्ध या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्व रूप होते हुए भी आप वे सब कभी हुए ही नहीं ऐसा वेद कहते हैं। ये कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा भिन्न दोनों ही हैं। कृत कृत्य विभो सब बानर ये निरखंती तवानल सादर ये अधिक जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूली परे। हे व्यापक प्रभु, वे सब बानर कृतार्थ रूप हैं।
जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं, और हे हरे हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति सहित हुए संसार में संसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरे विभेद करी हरिए, श्री राम जहिते विपरीत क्रिया करिए, असुख मो दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद अत्यंत करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कार्य करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंदन रम क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नृप नायक दे वरदान मिदम चरना भुज प्रेमु सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। राम प्रभु की कृपा भयव सब काजू, सीताराम 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 बड़ा भाई सीताराम 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 सीताराम। विनय कीन चतुरानन श्याम, प्रेम पुलक अति गात सीताराम, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तेही अवसर दशरथ तहाँ आए, सीताराम 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 सीताराम, तनय बिलोकि नयन जल छाए, सीताराम 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 सीताराम। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, सीताराम 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 सीताराम, आशीर्वाद पिता तब दीना, सीताराम 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 सीताराम। उसी समय दशरथ जी वहां आए, पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। सात सकल तब पुण्य प्रभाव, सीताराम 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 सीताराम, जीत्यो अजय निशाचर रावु, सीताराम 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 सीताराम। सुन सुत बचन प्रीत अति बारी, सीताराम 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 सीताराम, नयन सलिल रोमा बलि ठाड़ी, सीताराम 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 सीताराम। श्री राम ने कहा हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीत अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, सीताराम 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 सीताराम, जितहि पितहि दीन हव दृढ़ ज्ञाना, सीताराम 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 सीताराम। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, सीताराम 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 सीताराम, दशरथ भेद भगत मन लायो, सीताराम 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 सीताराम। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का जड़ ध्यान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्त में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुनों सगुनों पासक मोक्ष न ले, सीताराम 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 सीताराम,
छिन कहूँ राम भगत निज देही सीताराम 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 बार बार करी प्रभु ही प्रणामा सीताराम 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 दशरथ हरस गए सुरधामा सीताराम 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 सीताराम। यहाँ पर जब श्री राम की विजय लंका में हो जाती है तो आकाश से दशरथ जी भी आते हैं और यहाँ पर लंका में अपने प्रभु श्री राम पुत्र वत देख करके नृत्य सफल करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पर लंका में उनकी जो है मुलाकात होती है। इसके बाद वो सीधे वहीं से अपने धाम को वापस चले जाते हैं। श्री राम पाप रहित सच्चिदानंद स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण रूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष भी नहीं लेते, उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं, प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। दशरथ जी देवताओं के लोक को राम जी को आशीर्वाद दे करके प्रभु राम जी ने उनको प्रणाम किया, इसके बाद वो अपने देवलोक को चले गए। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भायाजू सीताराम 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 सीताराम। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान जो जन करहु पयान श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश रामायण वैकुंठ गई गाहो हनुमान लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय गोस्वामी तुलसीदास जी की जय प्रो भाई सब संतन की जय श्री रामचरित मानस की जय रामायण पुराण की जय अशोक देवता की जय आज के पावन पर्व की जय। आज की कथा संपूर्ण श्री रामचरित मानस का पाठ है यहीं पर संपन्न हुआ, अतः समस्त सम्मानित माताएं बहनें एवं संत भक्त सम्मानित सभी श्री ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करें, अपनी आस्था रखें और उनका आशीर्वाद लेकर अपने शुभ स्थान को प्रस्थान करें। अतः कल की श्री रामचरित मानस का पाठ सुनने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आज की कथा में विभीषण का राज तिलक लक्ष्मण और समस्त राम की सेना के द्वारा एवं दशरथ जी का शुभ आगमन लंका में प्रभु श्री राम जी के दर्शन हेतु आकाश से देवताओं की फूलों की वर्षा हुई, अतः कल की होने वाला जो अगला प्रसंग है उसको सुनने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। कल का प्रसंग राम की विजय पताका एवं यहाँ से आगे जाने का प्रस्थान होगा। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय।